हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मीनिंग क्या? तो एपिथेलियम वर्ड का मीनिंग तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि व्हाट इज एपिथेलियम। इट इज द शीट ऑफ सेल विच लाय ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लैंडुलर वर्ड लगा हुआ है, मतलब ये आया है ग्लैंड से। ठीक है ना, तो ग्लैंड क्या करते हैं? दे सीक्रेट समथिंग, सीक्रेशंस। ठीक है ना, अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें सीक्रेशन कौन करता है? ये करती है ग्लैंडुलर सेल्स। अब ग्लैंडुलर सेल्स आपकी प्रेजेंट कहाँ रहती है? दे लाई डीप इन द कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। वो लोकेटेड होती है एपिथेलियम और लाइनिंग के नीचे में, एपिथेलियम लाइनिंग कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम के नीचे में। तो डीप इन कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। ठीक है, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। अब यहां पे ये जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स आपके एक सेल से भी बने हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल से भी मिलके बने हुए हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, और ये चाहे वो सिंगल हो चाहे वो ग्रुप ऑफ सेल हो, ये जो अपना सीक्रेशंस है वो सीक्रेशन को सीक्रेट कर सकते हैं इनटू डक्ट, डक्ट में सीक्रेट कर सकते हैं, या तो फिर ऑन टू सरफेस, टिश्यू के सरफेस पे भी सीक्रेट कर सकते हैं, या तो फिर इनटू द ब्लड भी सीक्रेट कर सकते हैं, ब्लड के अंदर भी ये सीक्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो ग्लैंड्स है ये आपके दो टाइप के हैं। ठीक है, ग्लैंड्स आपके बेसिकली दो टाइप के हैं। तो पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इसमें एक्सोक्राइन की पहले बात करते हैं, तो इसमें दो वर्ड है एक्सो और क्राइन। एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, और जो क्राइन वर्ड लगा है उसका मतलब होता है सीक्रेशन, उसका मतलब होता है सीक्रेशन। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये अपना सीक्रेशन जो है वो सीक्रेट करते हैं कहां पर? इनटू द डक्ट, इनटू डक्ट। और ये जो डक्ट होती है वो सीक्रेशन को एम्प्टी करती है या रिलीज करती है कहां पर? ऑन टू सरफेस ऑफ कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। अब जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जो आपका ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है? बिलो द एपिथेलियल टिश्यू। तो जैसे मान लीजिए ये एक एपिथेलियल टिश्यू है जिसकी मैंने शीट ऑफ सेल बना दिया हूँ। ठीक है, तो जो ग्लैंड्स रहेंगे वो आपके इसी के नीचे में लोकेटेड रहेंगे, इस टाइप से एपिथेलियल टिश्यू के नीचे में। तो ये क्या करते हैं? अपने सीक्रेशन को थ्रू डक्ट, तो ये जो बीच वाला नेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डक्ट। तो ये डक्ट के थ्रू जो है अपना सीक्रेशन यहाँ पर सरफेस पे, ये कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम है ना, ये एपिथेलियम है, तो ये एपिथेलियम के ऊपर अपना सीक्रेशन जो है सीक्रेट करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। करेक्ट, इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आता है स्किन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो जो एंडोक्राइन है उसमें आपके दो वर्ड हैं, पहला तो है एंडो मतलब कि इनसाइड, और क्राइन का मीनिंग हम देख चुके हैं सीक्रेशन। ठीक है, ये जनरली सीक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स को। ये क्या सीक्रेट करते हैं? जनरली हॉर्मोन। ये हॉर्मोन सीक्रेट होके एंटर होते हैं कहाँ पर? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इट इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये एंटर होते हैं और उसके बाद ये डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्टली ये ब्लड स्ट्रीम में एंट्री कर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देन डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे। करेक्ट, ये जनरली
इस टाइप का जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो इफेक्ट होता है ये फार रीचिंग इफेक्ट होता है, मतलब इसके द्वारा जो सिक्रीशन बनाया हुआ है ये बॉडी के किसी भी पार्ट में दूर तक जाकर अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इसकी कहानी कैसे हो गई कि ये ग्लैंड है, ओके, ये ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन निकाला, सिक्रीशन जो है पहले गया इंटरस्टिशियल स्पेस में और उसके बाद फिर वो ब्लड वेसल में गया, मतलब कि ब्लड में एंटर किया। तो ये डिफरेंस है आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड और उसके बाद हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका आने वाला है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड पे। थैंक यू।